ग्लासगो में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से की मुलाकात, आतंकवाद और अफगानिस्तान पर भी चर्चा। पीएम ने कहा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को जन आंदोलन बनाना होगा, 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा भारत। COP26 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग को बताया चिंता का विषय, कहा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाएगा भारत। COP26 समिट में बोले पीएम मोदी, कहा विकासशील देश हो रहे जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित दुनिया को बचाने के लिए अहम कदम उठाने होंगे। COP26 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 50% तक बढ़ाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी, सालाना 60 मिलियन टन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य। COP26 समिट में पीएम मोदी से मिले इसराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट, दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से किया एक दूसरे का स्वागत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर ईडी का शिकंजा, 12 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को किया गिरफ्तार। वसूली केस में ईडी ने किया गिरफ्तार, ईडी ने कहा अनिल देशमुख जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर, 1 से 2 दिन में देशमुख के बेटे और पत्नी की हो सकती है पेशी, ईडी के सामने होगी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अनिल देशमुख की पेशी, आज पीएमएलए कोर्ट में पेश कर सकती है ईडी। मुंबई ड्रग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक की सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फडणवीस को लेकर और बड़े खुलासे कर सकते हैं। दिल्ली से देहरादून वापस लौटेंगे सीएम धामी, कोरोना वैक्सीनेशन के विजेताओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनावी तैयारियों को लेकर अमित शाह ने संभाली कमान, दिल्ली में उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं के साथ किया मंथन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात, उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। मुसलमानों को लेकर ओवैसी का बयान, कहा चौधरी चरण सिंह ने जाटों को सियासी ताकत बनाया, उसी तरह भारत के मुसलमानों को सियासी ताकत बनाएंगे। अखिलेश यादव के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर बीजेपी का तंज, कार्टून जारी करके सादा निशाना, लिखा 22 में हार रहा हूं इसीलिए भाग रहा हूं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने वाले बयान पर बीजेपी का तंज, यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा योगी राज में हुए कामों से डर गए अखिलेश। आज लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के आएंगे नतीजे, कई बड़े चेहरों की किस्मत पर फैसला। 13 राज्यों के 29 विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को हुआ था मतदान, अभय चौटाला, प्रतिभा सिंह समेत कई के भाग्य पर फैसला। कई राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर, बिहार की दोनों विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई एसआईए, एनआईए की तर्ज पर होगा एसआईए का गठन। आज वैक्सीनेशन में पीछे रहने वाले जिलों के हालात की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी, 40 से ज्यादा जिलाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पीडीपी नेता का दावा, महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया गया है जिससे मृतक युवक के परिजनों से मिलने अनंतनाग ना जा सके। ममता और कांग्रेस में तकरार, ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस भरोसे लायक नहीं है, अधीर रंजन बोले आपने बीजेपी से हमारी सुपारी ली है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 264 रुपए की भारी बढ़ोतरी, अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2050 पैसे का। देर रात गुजरात के वडोदरा में आग का कोहराम, लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों ने मौके पर आग बुझाई। चीन को पटकनी देने के लिए भारतीय सेना तैयार, 14,000 फीट ऊंचाई पर भारतीय सेना का हो रहा अभ्यास। पाकिस्तान में फिर गहरा राजनीतिक संकट, इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच तनातनी, लोगों को आशंका फिर सैन्य तख्तापलट हो सकता है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा का किया निरीक्षण, कहा संसद भवन को स्वच्छ रखने का चल रहा अभियान। दिल्ली में 1984 दंगा पीड़ितों ने निकाला कैंडल मार्च, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ और सज्जन कुमार को फांसी देने की मांग। दिल्ली में जगदीश टाइटलर पर फिर मचा बवाल, दिल्ली कांग्रेस के मंच पर आए नजर, विवाद पर कहा सीबीआई ने 3 बार क्लीन चिट दी है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा, सीएम चन्नी ने महंगाई भत्ता 11% बढ़ाने का किया ऐलान। खाद की कमी पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, कहा देश में नहीं खाद की कमी, राज्यों को इस महीने करेंगे 76 लाख मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले साल के राष्ट्रीय खेल विजेताओं को किया सम्मानित, कहा देश में सभी लोगों को खेलकूद में लेना चाहिए हिस्सा। मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट का रिजल्ट घोषित, परीक्षार्थियों को ईमेल द्वारा भेजा गया रिजल्ट। तालिबानियों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बैंक को अनफ्रीज करने की अपील, तालिबानियों ने देश में खड़े मानवीय संकट को रोकने का हवाला दिया। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद संपत्ति हुई थी सीज, अरबों डॉलर संपत्ति अमेरिका ने की थी फ्रीज। काली पूजा, छठ पूजा और जगधात्री पूजा पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका, कोरोना के चलते पाबंदियां लगाने की मांग। आज आवास और शहरी नियोजन विभाग का कार्यक्रम, सीएम योगी युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। अयोध्या में कल होने वाले दीपोत्सव की भव्य तैयारी, कड़ी सुरक्षा के लिए एसआईटी कमांडो, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात। अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज, लेजर शो में दिखी रामराज की झलक, रामकथा पार्क में हुआ भव्य कार्यक्रम। अयोध्या में दीपोत्सव पर चलेंगे 12 लाख दिए, श्री राम का होगा
नौलखा श्रृंगार, 3 नवंबर को पुष्पक विमान से आएंगे श्रीराम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। हरीश रावत के केदारनाथ दौरे के दौरान हंगामा, काले झंडे दिखाकर किनारेबाजी। उत्तरकाशी को उत्तराखंड के सीएम धामी की सौगात, 9 योजनाओं का किया लोकार्पण, 15 का किया शिलान्यास, किसान मंडी का भी किया उद्घाटन। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का शक्ति प्रदर्शन, मंगलोर में निकाली ट्रैक्टर रैली, जनता से की आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। उत्तराखंड के देहरादून में पहले इंटरनेट एक्सचेंज की सौगात, बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने वर्चुअली किया शुभारंभ, कहा डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड को मिल रहा है फायदा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में फिर सामने आई कांग्रेस की कलह की कथा, स्थापना दिवस कार्यक्रम में बीच में छोड़कर गई संसदीय सचिव अंबिका सिंह। एमपी के छिंदवाड़ा में 24 करोड़ का धान बर्बाद, चंदनवाड़ा कैंप में बारिश से बचाव के नहीं थे कोई भी इंतजाम, कृषि मंत्री कमल पटेल ने जांच के बाद कार्रवाई का किया दावा। झारखंड में पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों के 2 हथियार सप्लायरों को किया गिरफ्तार, दोनों के पास से कई हथियार जब्त। बिहार के कटिहार में 3 दिवसीय गंगा उत्सव का आयोजन, महाआरती में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल, 1100 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा मनिहारी का पवित्र भागीरथी तट।